Dear students, welcome in our channel. This video marks Ignore Class 11th subject Chemistry, Unit Number 10, S Block Elements के बारे में. यहाँ पर हम सीखने वाले diagonal relationship between lithium and magnesium. Lithium और magnesium के बीच में diagonal relationship क्या होती है? वो हम यहाँ पर सीखेंगे. पहला हम ये सीख लेते हैं कि diagonal relationship क्या होती है. ठीक है? तो diagonal relationship क्या है? जब हम periodic table देखते हैं तो उसमें ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं और पीरियड कौन सा देख रहा है हमें, पीरियड नंबर 2 और 3. इसमें जो एलिमेंट है लिथियम, ये लिथियम एलिमेंट मैग्नीशियम से कुछ प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करता है. ऐसे ही जो बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम से सिमिलरिटी शो करता है. ऐसे ही जो बोरॉन है ये सिलिकॉन से सिमिलरिटी शो करता है. ये जो एलिमेंट्स हैं हम देख रहे हैं, ये यहाँ पर बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन या फिर लिथियम, मैग्नीशियम है, ये क्या अलग अलग ग्रुप के होने के बावजूद ही सिमिलरिटी शो कर रहे हैं. जैसे कि सेम ग्रुप का अगर एलिमेंट होते तो वहां पर तो सिमिलरिटी होती ही है, बट यहाँ पर क्या है, ये अलग अलग ग्रुप के है, ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये सेकेंड ग्रुप का है. यहाँ पर अगर देखें तो 13 ग्रुप है, ये 14 ग्रुप के एलिमेंट्स है, बट अलग अलग ग्रुप के होने के बावजूद इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी पाई जाती है. और कैसे, ये जब यहाँ पर एक दूसरे के डायगोनल पर स्थित है ना, ऐसे एलिमेंट्स में ही केवल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी रहेगी. जो जो एलिमेंट्स यहाँ पर डायगोनल पर है इनमें यहाँ पर सिमिलरिटी शो होती है, तो इसी को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप. अब देखते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर कि कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज है जिसमें कि सिमिलरिटी शो हो रही है. तो यहाँ पर है फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें कहा है एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर ऑलमोस्ट सिमिलर. जो लिथियम और मैग्नीशियम है इनके अगर आप एटॉमिक रेडियस देखो तो लिथियम की जो एटॉमिक रेडियस है वो कितनी है यहाँ पर, 152. ऐसे ही जो मैग्नीशियम है यहाँ पर मैग्नीशियम की एटॉमिक रेडियस है 160, यानी कि 152 और 160 अगर देखी जाए तो अप्रोक्सीमेटली पास पास में है वैल्यूज, यानी कि सिमिलर है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों की एटॉमिक रेडियस लगभग सिमिलर है, यानी कि ये एक दूसरे से एटॉमिक रेडियस में सिमिलरिटी शो करेंगे. ऐसे सेकंड अगर हम यहाँ पर प्रॉपर्टी देखें तो क्या कहा है इसमें कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर ऑलमोस्ट सिमिलर. लिथियम मैग्नीशियम का जो यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो भी सिमिलर है. इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहा गया है यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर. जैसे सपोज ये हमारे पास एक लिथियम का एटम है, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड वाले जो ऑर्बिट है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है. जितना जल्दी यहाँ पर लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा उतना ही उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर अधिक होगा. ठीक है? ऐसे जितना इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर यहाँ पर लिथियम का है उतना ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर किसका है, मैग्नीशियम का है. यानी कि ये दोनों ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर में सिमिलरिटी को शो कर रहे हैं. थर्ड पॉइंट है यहाँ पर लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्ड. दोनों ही एलिमेंट्स अगर स्ट्रक्चर में हम देखें तो थोड़े हार्ड होते हैं. फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर कहा है लिथियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ एयर क्लैडिंग. लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एयर के साथ में रेडिली रिएक्शन नहीं करते. नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पर कहा है मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हाई. जो लिथियम और मैग्नीशियम है अगर दोनों को ही हम मेल्ट करते हैं, बॉइल करते हैं, तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स है दोनों ही एलिमेंट्स के वो काफी हाई होते हैं. लास्ट पॉइंट है सिक्स्थ पॉइंट है लिथियम एंड मैग्नीशियम आर लेस रिएक्टिव विद वाटर. अगर हम लिथियम एंड मैग्नीशियम की वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएं तो दोनों ही क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी कि धीरे धीरे रिएक्शन करेंगे वाटर से. और जब रिएक्शन करते हैं वाटर से तो ये यहाँ पर H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस को रिमूव करते हैं. साथ ही हमने देखा था कि जो लिथियम है ये अपने ही ग्रुप के जो अदर एलिमेंट्स है उनसे एनामोलस बिहेवियर भी शो करता है. यानी कि जो प्रॉपर्टीज लिथियम की है वो प्रॉपर्टीज उसके नीचे के ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनसे अलग नहीं होती, तो वो
यहाँ पर हमने क्या सीखा कि ये एक दूसरे से जो डायगोनल पर यहाँ पर स्थित एलिमेंट्स है ये किस टाइप से एक दूसरे से डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, और उसमें भी हमने केवल किसको देखा है, यहाँ पर लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज को यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर हमारा कंपेरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो अल्कली मेटल है एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है इनके बीच में हमें यहाँ पर कंपेरेटिव डिस्क्रिप्शन देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर अल्कली मेटल का हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर कहा है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1। इनका जो वैलेंस सेल होता है उसमें एस ऑर्बिटल में यहाँ पर ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ऐसे जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है इनका जो एस ऑर्बिटल है इसमें टू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट में कहा है दीज मेटल्स आर लस्टरस। लस्टरस होती है यानी कि चमकीली होती है, लाइट होती है यानी हल्की होती है, एंड सॉफ्ट होती है। यहाँ पर सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे मेटल्स है जिनको आप नाइफ की हेल्प से, चाकू की हेल्प से काट भी सकते हो। मेटल होने के बावजूद इतनी सॉफ्ट है ये कि इनको हम नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल में अगर हम देखें तो ये लाइट तो होती है, लस्टरस भी होती है, बट ये हार्ड होती है ना, ये सॉफ्ट नहीं होती है। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर कहा है देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स आर स्ट्रांगली अल्कलाइन। इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स है ये कैसे होते हैं, स्ट्रांगली अल्कलाइन होते हैं यानी कि बेसिक नेचर के होते हैं। जबकि यहाँ पर जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है इनके अगर हम ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड्स की बात करें तो ये कंपेरेटिवली थोड़े से लेजर अल्कलाइन होते हैं यानी कि कम अल्कलाइन नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर कहा है दे आर हाईली रिएक्टिव। ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड डिसोशिएट वाटर विग्रसली, और जल्दी से वाटर के अंदर ये डिजॉल्व हो जाते हैं यानी जल्दी से ये डिसोशिएट हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें अल्कलाइन अर्थ मेटल में तो दे आर लेस रिएक्टिव यानी ये कंपेरेटिवली थोड़े कम रिएक्टिव मेटल्स है, और ये वाटर में डिसोशिएट होते हैं ये भी, बट विग्रसली नहीं होते यानी कि जल्दी से डिसोशिएट नहीं होते, धीरे धीरे ही डिसोशिएट होंगे। फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पर कहा है देयर आयंस आर कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक। इनके जो आयंस है वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, साथ ही डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं यानी इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सारे ऑर्बिटल्स में। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल में हम देखें तो यहाँ पर इनके जो आयंस है ये भी कलरलेस ही है और डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक होते हैं यानी कि ये जो पॉइंट है वो दोनों में ही सेम है। ये सिमिलरिटी है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ऑल एलिमेंट्स गिव फ्लैम टेस्ट। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है वो फ्लैम टेस्ट देते हैं यानी कि इनको जब हम जलाएंगे तो अलग अलग मेटल्स के अलग अलग कलर्स हमें मिलेंगे। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल में अगर देखें हम तो जो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम है इनको छोड़कर अदर जो एलिमेंट्स है वो फ्लैम टेस्ट देते हैं। सेवन्थ पॉइंट में यहाँ पर कहा है देयर आयनाइजेशन पोटेंशियल आर लो। इनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है यानी आयन बनाने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है वो कम ही देनी पड़ती है यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ पर लो है। जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल कंपेरेटिवली थोड़े से हाई होते हैं। एट्थ नंबर पॉइंट है यहाँ पर देयर वैलेंसी इज ऑलवेज वन। इनकी वैलेंसी हमेशा वन होती है और इनकी वैलेंसी जो है वो हमेशा टू होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नाइन नंबर पॉइंट में यहाँ पर कहा है दे आर आयनिक कंपाउंड्स। ये कैसे कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड्स है यानी आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ये आयनिक तो बनाते ही है, साथ में एक कोवलेंट कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। टेंथ नंबर पॉइंट में कहा है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ज़्यादातर जो कंपाउंड्स है अल्कली मेटल्स के ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनके जो सल्फेट होते हैं, ऑक्सलेट्स होते हैं एंड फॉस्फेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द
अदर कंपाउंड्स सॉल्युबल इन वाटर, इनको छोड़ के जो अदर कंपाउंड्स है वो सॉल्युबल होते हैं, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो सल्फेट है, ऑक्सलेट है एंड फॉस्फेट है, ये वाटर में इजीली डिजोल्व नहीं होते हैं, और अदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो इजीली वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये टू क्वेश्चंस देखे, आपको होमवर्क में यहाँ पर अल्कली अर्थ मेटल एंड अल्कली मेटल्स के अंदर डिफरेंस राइट करने हैं और लर्न करने हैं, 5 डिफरेंस करने हैं यहाँ पर। साथ ही आपको डायगोनल रिलेशनशिप भी लर्न करनी है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के बीच में, वहाँ पर भी आपको 5 या 6 पॉइंट्स लर्न करने हैं। मैंने 10 पॉइंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें से आप एनी 5-6 पॉइंट्स को लर्न एंड राइट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।